अजबिल्लिमिन शजीम बिस्मिल्लाहमान रह वेरी वेनरेबल व्यूअर्स वी आर गोइंग टू शेयर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प फॉर यंगर लर्नर्स एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट के वील सी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प स्किल्स और uh, इसमें अगर हम बात करें तो सम ह्यूमन स्किल्स आर टू बी लर्न वट ह्यूमन स्किल्स आर यानी हमने देखना है कि ये बींग ह्यूमन वाट थिंग्स आर नीडेड हम किस तरह से uh, अपनी uh, रहाइ वाली जगह पे रहें और फिर जहाँ रहें वो किस तरह से रहें हमारा उठना बैठना चीज़ों को करना खाना पीना ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं और जब हम uh, बड़े हो जाते हैं तो फिर यह है कि हम खुद इंडिपेंडेंटली अपने काम छोटे छोटे उस तरह से करें जिस तरह से हमें सिखाया गया और सिखाया भी गया तो ये इससे ज़्यादा अहम है कि हम उन्हें ठीक डायरेक्शन में चीज़ों को एक दफ़ा सिखा देते हैं वो बच्चे फिर उसको करते रहते हैं हमने सिर्फ उसको बाद में मॉनिटर करना होता है और इसमें हम ये भी देखते हैं कि इंडिविजुअल प्रोग्रेस जो है ना वो मैटर करती है विद द एज जो जो बच्चा बड़ा होता है उसकी ज़रूरिया बढ़ती जु हैं और वो अपने काम को ख़ुद करने के लिए अपनी ज़रूरत को ख़ुद महसूस करता है वो अपनी क्लिनलीनेस का ख्याल रखता है अपने चीज़ों की तरतीब का ख्याल रखता है अपने लिबास का ख्याल रखता है और फिर यह है कि कमिंग टू वर्ड द कंप्लेक्स एक्शन वो मेहमानों को किस तरह से डील करना है अपने दोस्तों को किस तरह से डील करना है उनको किस तरह से बैठाना है उनको किस तरह से, से यानी खाने पीने की चीज़ें पेश करनी है या फिर यह है कि शेयरिंग किस तरह से करनी है और इस दौरान उनके साथ किस तरह सा इंटरेक्शन जो है ना वो यकीनी बनाना है इसमें हम ये चीज़ों को देख रहे होते हैं कि उसके जो फंक्शंस हैं वो किस तरह से एस्टैब्लिश हो सकते हैं कि अपने फंक्शंस भी वो कर रहे है और फिर दूसरों की हेल्प भी कर रहा है और दूसरों के साथ जो हेल्प है वो एक अपने डेली रूटीन के तहत जो है ना उसको इंश्योर कर रहा है और अपने काम को मुतासर भी नहीं होने दे रहा दूसरों की मदद भी कर रहा है दूसरों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि दूसरों के काम या मदद करते हुए अपनी तमाम तरह की रूटीन को भूल जाए तो अपनी रूटीन को भी सेट रखना और फिर यह है कि दूसरे लोगों को उनके ख्याल उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको आ, मदद करना या उनको कंफर्टेबल बनाना क्योंकि वी आर टू एस्टेबलिश वी आर टू इंश्योर ह्यूमन स्किल्स और उसमें ख़ास तौर पर पेरेंट्स के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट है उनको हम किस तरह से उनकी बात को सुने उनकी उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए अपने आप को अपनी ज़रूरियात को पूरा करें और अपने आप को एक अच्छे ह्यूमन की तरह हम उसका इजहार कर सकें और इसमें हम ये भी देखते हैं कि सेल्फ हेल्प में कुछ कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं कॉम्प्लेक्स स्किल्स में ये है कि हमें एक वक्त में कुछ मल्टीपल टास्क करना पड़ जाते हैं और उसमें यह है कि हम कॉन्फिडेंटली uh, तमाम चीज़ों को कैसे कर सकेंगे जब हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखे हुए होंगे और हम उनको कर रहे होंगे हम उनको मॉनिटर भी कर रहे होंगे और हम वी आर वेरी हैप्पी और हमें उसका फ़ीडबैक भी मिल रहा होगा पेरेंट्स की तरफ से भी और यह है कि बाद बहन भाई फैमिली की तरफ से भी तो हम यानी इस्टेबलिश हो जाते हैं और हम अपने आप को एक खूबसूरत रूटीन की तरफ एक सक्सेसफुल रूटीन की तरफ ले जा सकते हैं और इसमें हम ये भी देखते हैं कि कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारे जो इंडिपेंडेंटली हम देखते हैं कि मसलन हमने अपने मेहमानों को बड़ी ख़ूबसूरती के साथ खाने पीने की टेबल पर बिठाया उनको चीज़ें पेश कं और उन्होंने उसको अप्रिसट किया हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया तो ये एप्रिसिएशन है उसका फ़ीडबैक भी यकीन मिलेगा और अगर हम किसी और के साथ दोस्त के साथ या किसी फ्रेंड के साथ मौजूद हैं और हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं बींग पेरेंट्स अगर हमें दूसरों में ये चीज़ें मिलती हैं तो हम ज़रूर उसकी एप्रिसिएशन करें ताकि वो बूस्ट अप हों और बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम हाईलाइट करते जाएँ और उसकी सक्सेस के साथ साथ हम यकीनी बनाते जाएँ इसी तरह इसमें हम कुछ फिज़िकल मैनर्स हैं उठना बैठना किस तरह से अपने कमरे में बैठना है अपने पर्सनल जगह पर बैठना है फिर किस तरह से बैठना है दोस्तों में बैठना है या पेरेंट्स के साथ या फिर यह है कि स्ट्रेंजर के साथ अगर इंटरेक्शन है तो वो किस तरह से है और उसमें जो कुछ एबिलिटीज हैं हमें किस तरह से ख़्याल का इज़हार करना है और इमोशंस का किस तरह से इजहार करना है यानी खूबसूरत बात है तो हमें किस तरह से उसकी दाद देनी है अगर कोई गम की ख़बर है तो उसको किस तरह से उसको अफसोस के साथ या वो अल्फाज किस तरह से अदा करना है और जैसर का इजहार किस तरह से करना है और इसमें हम ये भी देखते हैं कि इन फ्यूचर वी वॉन्ट टू तो मेक दैट पर्सन इंडिपेंडेंट इन देर एक्शंस और ये एक्शंस ऐसे एक्शंस हैं जो दूसरे लोगों के लिए दूसरे अफराद के लिए भी uh, सक्सेसफुल uh, होते हैं और अपने लिए बहरल बच्चों के लिए भी बड़े सक्सेसफुल हैं थैंक यू वेरी मच